Subscribe to Divine Bansuri YouTube channel and press the bell icon to get notifications about our latest uploads. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन बांसुरी YouTube चैनल पे। मेरा नाम है चिरंजीव और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन पुराना सॉन्ग, ओल्ड क्लासिक्स में से एक है और जिसका नाम है तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। बहुत मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स है। मुझे बजाने का मन किया और इसका ट्यूटोरियल भी शेयर करने का मन किया, तो चलिए आज इसे सीखते हैं। इसके लिए मैंने एक सी मीडियम का फ्लूट लिया है और सी में अगर आप बजाएंगे तो आप ओरिजिनल में बजा पाएंगे। ओरिजिनल स्केल है उसका ए बेसिकली। तो अगर आप सी नेचुरल में, जो कि बिगिनर फ्लूट होता है, आई थिंक सभी के पास होता है, उसमें आप बजाएंगे तो वो आप ओरिजिनल स्केल में उसमें बज जाएगा। और इस फ्लूट का पूनम फ्लूट्स है ये। इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, बहुत जन पूछते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं फ्लूट। तो वो ऑथेंटिकेट लिंक है, वहाँ से आप परचेज करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा क्योंकि ये हाई पिच में पूरा बजा है। आपका सांस पूरा सही तरीके से होना चाहिए मतलब उस पिच में बजाने के लिए। और पूरा मींड का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ है। मींड के बिना ये गाना है ही नहीं, मतलब अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मींड होने से ही उसका वो चार्म और फील आएगा, वो गाने का एक्चुअल फील आएगा वो। ठीक है, तो वो स्टार्टिंग कुछ ऐसा है। और तार सप्तक में ही बजा है, मंद्र सप्तक में तो बजा ही नहीं है ऑलमोस्ट, मध्य और तार सप्तक में ही है। तो स्टार्टिंग है धा से, तेरा मैं, मतलब ये गाना सुन के तो मैं पिघल जाता हूँ। इतना स्वीट और इतना मधुर गाना है ये। तेरा मेरा प्यार अमर, ठीक है, पूरा मींड धानी नी सा से फिर धा आएगा, धा से फिर तरा दरा, पूरा मींड का खेल हो रहा है यहाँ पे। प्यार अमर, कितना वो नोट्स लग के आ रहा है पूरा, तो वो वैसे ही बजाना है। धानी नी सा जब आएगा वो फिर मींड से आएगा। धानी नी सा धानी नी सा, धानी निसनी धनी धापा धापा, जब भी होगा वो पूरा मींड से होगा। धानी 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 से भी वो पूरा धानी पूरा मींड से आएगा। धानी निसनी निसनी एकदम हल्के में होगा। धानी निसनी धनी धापा, पा जो आएगा वो धा से पूरा धा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, पाधा धानी पदा धानी, वो भी पूरा मींड से होगा। जैसे वो धानी निसा पूरा वैसे ही पाधा धानी पा, नी से जब पाएगा फिर से वो दो बार रिपीट हो रहा है। तर तर दो बार वही स्वर, पाधा धानी पा, मा पा धा धा, ठीक है। मा पा मा जब होगा तो गामा होगा, थोड़ा हल्का सा गामा मा, तो गाना कैसा है? फिर क्यों मुझको लगता है डर तेरा, कितना अच्छा सा वहां पे कोमल स्वर लगा है, धा का। देखिए मतलब मुझे जो सुन के मुझे लगा वहां पे, धा नी धा नी धा धा नी धा नी धा धा धा, कोमल धा। फिर क्यों मुझको लगता है डर तेरा, कि पूरा मींड से गाना चल रहा है। मतलब एक जगह ऐसा नहीं है जहाँ पे रुक रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है। जितना वो मींड से होगा उतना उसका खूबसूरती हो रहा है। पता भी नहीं चल रहा है वो कोमल दा इतना स्वीटली लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सांस का अच्छे से नहीं लेने से, वो ब्रेक में बजाने से वो मजा नहीं आएगा। वो आपको मतलब पूरा एक सांस लेके बजाएंगे तो वो मींड और उसका फील आएगा पूरा। फिर से मैं बजाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक छोटा हल्का सा स्ट्रोक भी दे रहा हूँ टोंग से। धानी नीसा, धा में नौनी में थू 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 थू। थू 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 दो बार बजता है वही पूरा फ्रेज, ठीक है। उसके बाद है बहुत हाई पिच में है, और वो भी बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है। क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी। बहुत सारा एलिमेंट्स है जो फ्लूट में डिफिकल्ट जाता है, जो वोगल्स में बसता है पूरा एग्जैक्टली वैसा निकलना डिफिकल्ट है, बट ट्राई करना चाहिए। अरे गा में थोड़ा विब्रेटो टाइप का कर देंगे तो देखिए हर जगह पे मींड है। तो ये कैसा है? रे गा रे नी धा पा रे, रे नी धा पा रे, सा नहीं लगाना है, रे नी धा पा। ठीक है, रे गा रे नी धा पा। रे गा रे नी धा पा 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 धा नी धा धा नी धा नी रे सा रे सा। बेसिकली रे से आएगा वो मींड से। तो ये आपको थोड़ा देखना है कैसे बज रहा है। तो रे गा मींड से जो भी बजा रहे हैं, इसमें अगर मींड का अच्छे तरीके से बजेगा तो उसका वो स्वीटनेस आएगा। धा नी धा नी रे सा सारे साधा पम गा। सारे साधा प गा गा रे धा ना धा। गा रे ऊपर वाला रे बज रहा है, गा रे धा गा रे धा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। डायरेक्ट भी बजा सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, ये भी कर सकते हैं और एकदम हल्का से पास है टच करके वो रे में थोड़ा उसको इफेक्ट दिखा रहा हूं। रे सा नी धाम, एक्चुअली रे में एंड ही होना है। तो आप डायरेक्ट भी रे से आ सकते हैं, गा रे मतलब गा मध्य सप्तक और रे तार सप्तक, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक साथ बजने से कैसा सुनाई देगा, ठीक है। उसके बाद एकदम सिंपल दो तीन लाइन का ही, और ज्यादा स्वर इधर उधर नहीं, लेकिन बहुत हार्ड टचिंग गाना है ये, और वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद सेम डिफिकल्ट जाएगा ये, क्योंकि तार सप्तक का है और वो स्वर सही से नहीं लगे और वो मतलब फील नहीं आया उसका, तो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर भी ट्राई कीजिए आप, ये मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए ये गाना, बहुत हार्ट टचिंग है। मैं बहुत सुनता हूँ ये गाना और बहुत सारे जो ओल्ड क्लासिक्स हैं मैं सुनते रहता हूँ, तो ये गाना मुझे शेयर करने के लिए मन किया। और ये सी स्केल में तो आप बजा सकते हैं वैसे, मतलब ऑलमोस्ट सभी के पास सी स्केल होता है, इसीलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएगा। और बेल आइकॉन दबा के उसमें नोटिफिकेशंस में ऑल को प्रेस कीजिएगा, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस आ जाएं। और मुझसे अगर बात करनी है तो मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिलेटेड तो इस कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जवाब देने का जरूर ट्राई करूंगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो पे।